तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे साथ मोबीक्विक जिप पे लेटर का फ्रॉड हो चुका है। स्कैमर ने मेरे मोबीक्विक जिप के अकाउंट से 28,311 रुपए का अमाउंट निकाल लिया है। और गाइस देखिए, इस बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप सबसे पहले देख लीजिए। उसमें मैंने जानकारी दी है कि मेरे साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ है और कितना पैसा निकाला है, A to Z सारी जानकारी दी है। और आपके साथ वो फ्रॉड ना हो इसलिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे दी है, तो उस वीडियो को आप सबसे पहले लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मोबीक्विक जिप पे लेटर का बैलेंस हम महीने भर में जितना भी यूज करते हैं उसका जो बिल होता है वो अगले महीने की पहली तारीख को बन जाता है, जनरेट हो जाता है, और हर महीने की 5 तारीख तक हमें अपने मोबीक्विक जिप के ड्यू बैलेंस को पे करना होता है। अगर हम महीने की 5 तारीख को जिप के पैसे को वापस नहीं लौटाते हैं, ड्यू बैलेंस अगर हम पे नहीं करते हैं, तो बहुत ज्यादा तगड़ी पेनल्टी हमारे अमाउंट पर लग जाती है, प्लस इंटरेस्ट भी लगता रहता है। तो गाइस देखिए, मुझे मोबीक्विक की तरफ से 40,000 रुपए की पे लेटर की लिमिट मिली हुई है, जिसमें से मैंने लगभग 11,500 रुपए का बैलेंस मैंने खुद यूज कर लिया था, और स्कैमर ने फ्रॉड ने मेरे अकाउंट में से 28,311 रुपए निकाल लिए थे। उसने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिया था। तो गाइस मेरा जो मोबीक्विक जिप का टोटल ड्यू बैलेंस है वो 39,000 कुछ रुपए बन चुका है। तो गाइस देखिए, मैं ये चाहता हूं जो मैंने खुद बैलेंस यूज करा है, जो 11,500 रुपए का बैलेंस जो मैंने पर्सनली खुद से यूज करा है, उसको मैं पे कर दूं, और बाकी का जो स्कैमर ने यूज करा है वो पैसा कब तक रिफंड आएगा या फिर क्या प्रोसेस रहता है वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन अभी जो मैंने बैलेंस यूज करा है उसकी जो ड्यू डेट है 5 तारीख, उसका मैं आज बिल पे करने वाला हूं। तो चलिए इस बारे में हम मोबीक्विक के कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या एडवाइस देते हैं। तो गाइस देखिए, मोबीक्विक कस्टमर केयर का जो ऑफिशियल नंबर है आपको यहां पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। आप मोबीक्विक के कस्टमर केयर को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। जब हम कॉल करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए एक बार हमें अपना मोबीक्विक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें उन्हें बतानी पड़ेगी। उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गाइस चलिए, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको मोबीक्विक के कस्टमर केयर से बात करके दिखा देता हूँ। वेलकम टू मोबीक्विक, पैसा बना पावरफुल। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मोबीक्विक, माय नेम प्लीज वेरीफाई योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। प्लीज वेरीफाई योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। थैंक यू फॉर वेरिफिकेशन सर, हाउ मे आई हेल्प यू। मैम, ये हमारे मोबीक्विक के अकाउंट से 1 नवंबर को 1 तारीख को फ्रॉड हो गया था, लगभग 6:30 बजे के टाइम। फ्रॉड ने हमारे मोबीक्विक जिप पे लेटर के अकाउंट में से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर लिया था 27,500 रुपए का, प्लस जब हम मोबीक्विक से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो उसमें चार्ज लगता है, तो 611 रुपए का चार्ज भी लग गया था, और टोटल 28,311 रुपए का फ्रॉड हो गया था हमारे अकाउंट से। फ्रॉड ने हमारे पैसों से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया था। तो इसके रिगार्डिंग हमने साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट करी थी, और हमने मोबीक्विक के जो फ्रॉड अलर्ट टीम है, fraudalerts@mobiquick.com, उनसे भी हमने कांटेक्ट किया था। हमने उन्हें ईमेल करी थी, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, प्लस साइबर क्राइम की जो हार्ड कॉपी होती है उसको, उसकी फाइल को भी हमने उसमें अटैच किया था। लेकिन टोटल अब 4-5 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई भी किसी तरह का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है मोबीक्विक की तरफ से। जी, इसके रिगार्डिंग देखिए, अगर आपने ऑलरेडी साइबर क्राइम पे भी अपनी कंप्लेंट रेज किया और मोबीक्विक के हेल्प मोबीक्विक के आपने फ्रॉड अलर्ट की टीम को भी अगर अपना कंप्लेंट रेज किया है, तो आप निश्चित बने रहिए, उनके एंड से देखिए इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है सर। ठीक है, ऐसा इश्यू नहीं है। अगर अकाउंट की देखिए किसी के द्वारा आपका अकाउंट एक्सेस करके उसमें से फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन किया गया, तो डेफिनेटली फ्रॉडलेंट इसके द्वारा वर्क किया जाता है। एंड साइबर क्राइम पे अगर आपने अपनी कंप्लेंट रेज किया है, तो उनके एंड से फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, चेक किया जाता है किसके द्वारा फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन किया गया है सर। ठीक है, अच्छा, तो ये रिस्पॉन्स तो हमें कोई मिला नहीं है, ना ही मोबीक्विक की तरफ से मिला है। कोई रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, कोई भी रिवर्ट बैक, कोई रिप्लाई नहीं आया। कंप्लेंट कब रेज किया सर आपने? हमने ये कंप्लेंट रेज की थी जब हमारे साथ फ्रॉड हुआ था 1 तारीख को लगभग 6:30 बजे के टाइम, तो उसके तुरंत बाद हमने ईमेल भेज दी थी फ्रॉड अलर्ट्स को। ठीक है सर, अभी इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आपको ना एक बार मोबीक्विक जो आपको ना आपने मेल किया है ना, आपको उसे एक बार वर्किंग टीम पे ना फ्रेश मेल रेज करना है आपको फ्रॉड अलर्ट की टीम के लिए सर। ठीक है सर। अच्छा, अभी के लिए आपका जैसे कि देखिए नॉन वर्किंग डे, तो आज मत कीजिएगा, आप एक बार मंडे को कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार फ्रेश मेल पे ये लिखना है कि फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ था, बट लेकिन अभी तक फ्रॉडलेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कोई रिवर्ट बैक नहीं किया गया क्वेरी क्वेरी के लिए, जो क्वेरी रजिस्टर की थी आपने। ठीक है जी, ऐसे करके आप एक बार फ्रेश कंप्लेन अपनी रेज कर दीजिएगा, देन हमारा जो फ्रॉडलेंट डिपार्टमेंट है वो आपको 24 से 48 कार्य घंटों के अंदर रिवर्ट बैक कर देगा सर। ओके
अच्छा, एक और जानकारी चाहते हैं। ये जो हमारा मोबीक्विक जिप का लिमिट है, हमें मोबीक्विक की तरफ से 40,000 रुपए की जिप पे लेटर की लिमिट मिली थी, तो इसमें से हमने खुद बैलेंस यूज करा था कुछ लगभग 11,000 रुपए, कुछ बैलेंस हमने यूज करा था। इसको हमें पे करना है, आज 5 तारीख है, 5 तारीख को अगर हम आज पे नहीं करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी, हम पे लेट फीस लग जाएगी, और हमारा जो मोबीक्विक का अकाउंट है वो भी डिसेबल्ड है इस टाइम। सर, अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट नहीं कर पा रहे ना, इसके लिए जी हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। वो लिंक आपको आपकी ना मेल आईडी पे रिसीव होगा सर। उस मेल आईडी से आपको उस लिंक के माध्यम से ना पेमेंट करना है सर। ठीक है सर, अच्छा तो इसके लिए हम आपका वो रिक्वेस्ट डाल देंगे, आपको मेल आईडी पे लिंक रिसीव हो जाएगा, उसके माध्यम से पेमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी लेट इंटरेस्ट भी ऐड ना हो पाए। ठीक है तो सर, हम ये भी जानना चाहते हैं, ये जो हमारा बैलेंस है, जो हमने जो खुद बैलेंस यूज करा है वो पे करना पड़ेगा या टोटल बैलेंस हमें पे करना होगा जितना ड्यू है? 39,000 कुछ शो कर रहा है, तो देखिए वो बताना चाहेंगे, अगर फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन मोबीक्विक के जिप पे लेटर अकाउंट से हुआ है ना सर, जी तो इसके लिए हमारे से जो आपको लिंक आएगा ना, वो टोटल अमाउंट का ही आएगा सर। जो अच्छा टोटल अमाउंट होता है ना उसका ही आप आएगा, पार्शियल लिंक तो हमारे से नहीं आता है, तो उसके लिए आपको टोटल आएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो टोटल अमाउंट आप अभी पे कर सकते हैं, इनकेस अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा, हमारी जो टीम है वही आपको रिवर्ट बैक करेगी इसके रिगार्डिंग सर। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई ऐसे पेनल्टी चार्जेस या फिर इंटरेस्ट भी अप्लाइड भी होता है तो आपकी मिस्टेक के कारण नहीं हो रहा है, वो आपका जो अकाउंट है वो आपका फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होने के कारण हो रहा है, क्योंकि आपका अकाउंट डिसेबल है जिसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। राइट, अच्छा, तो उसके लिए आपको वेट करना है। तो ये अगर हम आज पे नहीं करेंगे तो पेनल्टी हम पर नहीं लगेगी? सर, पेनल्टी तो देखिए अप्लाइड हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं होगा तो पेनल्टी तो अप्लाइड होगी सर, जी क्योंकि आपका अकाउंट में डिसेबल सिस्टम जनरेट होता है, अगर यूजर के द्वारा टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं हो रही तो पेनल्टी तो अप्लाइड हो जाती है सर। बट आप निश्चिंत बने रहे, क्योंकि आपका तो अकाउंट डिसेबल है ना सर, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन आपके आपके साथ हुआ है, हाँ तो उसमें तो देखिए आप भी असमर्थ होंगे पेमेंट करने में, जी तो जी उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, हमारा जो फ्रॉडलेंट डिपार्टमेंट है वो आपको उसके रिगार्डिंग रिवर्ट बैक करेगा। ओके सर, अच्छा, तो अगर हम इसको आज पे नहीं करेंगे तो पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, लेकिन साथ में क्रेडिट स्कोर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना हमारे? वो सर हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं, बट रिगार्डिंग देखिए अकाउंट डिसेबल है तो आप नहीं कर पाएंगे, बाकी आप निश्चिंत बने रहिए, अगर कुछ इम्पैक्ट आपका पड़ता भी है तो उसके जी लिए हमारी टीम इन्वेस्टिगेट करती है सर, कोशिश यही की जाती है जो इम्पैक्ट आपको पड़ रहा है वो ना पड़े। अच्छा, तो अगर पेनल्टी अगर लगेगी भी तो वो रिमूव कर दी जाएगी कुछ टाइम बाद? सर देखिए, इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगी सर, बट आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको कोई पेनल्टी लगती भी है तो उसके लिए टीम वर्क करती है सर। ठीक है सर, अच्छा तो आप अच्छा इसके लिए निश्चित बने रहिए, टीम के द्वारा ही आपको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे जो पेनल्टी अगर लगती है तो ये हमारे खुद के यूज किए हुए अमाउंट पर लगेगी या टोटल 39,000 का जो ड्यू बैलेंस है उस पर लगेगी? टोटल अमाउंट पे ही लगेगी ना सर, आपको जो अमाउंट आपका ड्यू बिल डेट में बन रहा होता है ना सर, उस अमाउंट पे आपको लगती है। ठीक अच्छा, है, ये अगर आप बिल जो हमारा है वो हमने जो बैलेंस पर्सनली यूज करा है, 11,000 कुछ जो रुपए हैं वो हमने खुद यूज करा है, उसी का ही बिल जनरेट हुआ है, लेकिन जो फ्रॉड की तरफ से जो ट्रांजेक्शन हुई उसका भी बिल जनरेट नहीं हुआ है? सर देखिए, फॉरेन ट्रांजेक्शन के एंड से जो अमाउंट इस्तेमाल किया गया उसका बिल जनरेट नहीं हुआ है? नहीं। ठीक है सर, तो फिर इसके लिए हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं, आप अपने लिंक के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए जितना बिल अमाउंट आपका बन रहा है सर। अच्छा, तो जितना हम पर ड्यू है आप उतने का ही लिंक सेंड कर दीजिए। देखिए, जो फॉरेन ट्रांजेक्शन आपके आपके साथ हुआ था सर, वो कौन सी डेट में हुआ था, क्या आप हमें ये बता पाएंगे? हमारे साथ 1 तारीख को हुआ था, 1 नवंबर सर, को। आपके साथ जो फॉरेन ट्रांजेक्शन हुआ है ना, फिर वो उसका बिल आपका नेक्स्ट मंथ के लिए जनरेट होगा सर, हाँ 1 नवंबर में हुआ है ना सर ये जी जी ट्रांजेक्शन, जी तो इससे पहले का जो आपने इस्तेमाल किया वो तो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है तो सर, हम आपको ठीक है, आप जो हमने खुद यूज करा है जिसका बिल जनरेटेड है आप उसका लिंक शेयर कर दीजिए हमें, उसको हम पे कर देंगे। ठीक है सर, इसके रिगार्डिंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उसकी पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है सर, ओके, तो ये लिंक हमारे पास कब तक आ जाएगा पेमेंट करने के लिए? ये देखिए सर, 24 वर्किंग आवर्स का समय होता है, बट पॉसिबिलिटी है आपको उससे पहले भी आ जाएगा सर। ठीक है सर, अच्छा, मैं ये जानकारी चाहता हूँ, जैसे जो आप लिंक शेयर करेंगे उसमें टोटल तो अमाउंट नहीं लिखा होगा 39,000 रुपए? नहीं सर, जो लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, भी आपका जितने का बिल बन रहा है उतना ही आपको आएगा सर। हाँ, हमारा 11,000 कुछ रुपए का बन रहा है बिल। जी जी सर, आपको उतना ही आएगा सर। ओके मैम, बस इतना ही। आपकी कॉल को फीडबैक के लिए IVR पर ट्रांसफर किया जा रहा है, मोबिक में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके।
तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, मोबीक्विक के कस्टमर केयर से हमारी बात हो रही थी और मोबीक्विक के कस्टमर केयर ने हमें भरोसा दिलाया कि जो हमारा एक्चुअल ड्यू बैलेंस है 11,456 रुपए का, उतने का ही हमें पेमेंट लिंक सेंड किया जाएगा ईमेल के थ्रू। लेकिन गाइस देखिए, 4 घंटे के बाद हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पेमेंट लिंक आ चुका है। और गाइस देखिए, इस पेमेंट लिंक पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो क्लिक करने के बाद जो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है मोबीक्विक जिप का, वो यहां पर शो हो रहा है, वो यहां पर पे करने को बोल रहा है, जो कि हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 39,766 रुपए और 75 पैसे। हमें बताया गया था कि 11,456 रुपए का जो हमने बैलेंस यूज किया है, उतने का ही आपको लिंक सेंड किया जाएगा, लेकिन ये टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस को ये पे करने को बोल रहा है और इतने का ही हमें पेमेंट लिंक सेंड किया गया है। हमारे मोबीक्विक जिप के अकाउंट से 28,311 रुपए का जो स्कैम हुआ है, जो फ्रॉड ने हमारा पैसा निकाला है, उसको भी यहाँ पर एड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस को ये हमें पे करने को बोल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा गलत बात है। तो गाइस देखिए, इसी सेम तरीके से मैंने काफी बार मोबीक्विक के कस्टमर केयर से मैंने बात करी थी पेमेंट लिंक मंगाने के लिए, लेकिन हर बार मुझे ये टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 39,766 रुपए का ही लिंक शेयर किया जा रहा है पेमेंट करने के लिए। तो गाइस देखिए, मोबीक्विक के कस्टमर केयर वाले हमें क्लियर तरीके से नहीं बता रहे हैं कि हमें मोबीक्विक जिप का ड्यू बैलेंस पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर हम मोबीक्विक जिप के बैलेंस को ड्यू डेट पर अगर हम पे नहीं करते हैं तो पेनल्टी जरूर लगेगी। मैंने काफी सारे लोगों की वीडियोस में देखा है और काफी सारे जिप यूजर्स मुझे बताते हैं कि उनका 500 रुपए उन्होंने यूज करा था जिप से, लेकिन उनका जो बैलेंस है वो लेट करते 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 7,500 रुपए ड्यू बैलेंस पर पहुंच जाता है। पेमेंट लेट करने की वजह से उसमें पेनल्टी ऐड होती रहती है। यहां पर मैं आपको एक व्यूअर का कमेंट बता देता हूं। एक व्यूअर ने मुझे बताया कि उन्होंने 20,000 रुपए का बैलेंस यूज करा था मोबीक्विक जिप से, जिसको लेट करने की वजह से इंक्रीज करते करते पेनल्टी उसमें लगाते लगाते 80,000 रुपए का उनका ड्यू बैलेंस पहुंचा दिया था। किसी मजबूरी की वजह से वो अपने मोबीक्विक जिप ड्यू बैलेंस को पे नहीं कर पाए थे। अगर मोबीक्विक जिप पे लेटर के ड्यू बैलेंस को अगर हम पे नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, तो हर रोज उस पर 1,000-2,000 रुपए तक की पेनल्टी लगती रहती है, जिसकी वजह से ड्यू बैलेंस काफी ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस देखिए, मेरा जो मोबीक्विक जिप का ड्यू बैलेंस है वो लगभग 40,000 रुपए है, लेकिन अगर मैं आज इसको पे नहीं करूंगा ड्यू डेट पर, तो हो सकता है 1 महीने के अंदर ये मेरा जो जिप का ड्यू बैलेंस है इसको डबल कर दिया जाए, क्या पता ये 80,000 भी हो सकता है या 1,00,000 भी हो सकता है, जिसको पे करना मुझे काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो एक टेंशन में तो हम फंस चुके हैं, तो चलिए दूसरी टेंशन को हम नहीं पालते हैं, इसको भी जो हमारा ड्यू बैलेंस है इसको हम पे कर देते हैं। तो गाइस यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, मोबीक्विक जिप पे लेटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस और ड्यू बैलेंस पे करने के लिए हमें यहां पर एक लिंक शेयर किया गया मोबीक्विक कस्टमर केयर की तरफ से हमारे मोबीक्विक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, क्योंकि हमारा जो मोबीक्विक का अकाउंट है वो इस टाइम डिसेबल है, तो पेमेंट करने के लिए हमें ये लिंक शेयर किया गया है। तो चलिए यहां पर इस लिंक पर हम सिंपल से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो लिंक है हमारा, ये क्रोम ब्राउजर में इस तरीके से ओपन हो चुका है। और गाइस यहां पर आप देखेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। 39,766 रुपए 75 पैसे का हमारा ये टोटल अमाउंट है जिसको हम पे करने वाले हैं। यहाँ पर हम अपने डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से और यूपीआई के थ्रू अपने बैलेंस को हम पे कर सकते हैं। तो अगर आप कार्ड से करना चाहते हैं तो आप कार्ड से भी कर सकते हैं। चलिए मैं यूपीआई के थ्रू कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन यूपीआई ऐप। हमारा अमाउंट आ चुका 39,766 रुपए 75 पैसे। तो चलिए ओपन यूपीआई ऐप पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पेटीएम ऐप के थ्रू चलिए मैं इस ड्यू बैलेंस को पे कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 39,766 रुपए का जो मेरा अमाउंट है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक से हम ये पेमेंट करने वाले हैं। 40,000 रुपए का बैलेंस इसमें पड़ा हुआ है। तो चलिए इस बिल को मैं पे कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है पे सिक्योरली। सिंपल से पे सिक्योरली ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। पासकोड हमें एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो पेमेंट है वो इस तरीके से लोड लेगा और हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो लिखा हुआ है पेमेंट कंफर्मेशन। यहाँ पर जो हमारी पेमेंट है 39,766 रुपए और 75 पैसे की, वो सक्सेसफुली हो चुकी है। सक्सेसफुल का पेज इस तरीके से ओपन हो चुका है। ऑर्डर आईडी भी हमारी आ चुकी है और आप यहां पर देखेंगे मोबीक्विक की तरफ से भी हमें तुरंत मैसेज मिल चुका है। 39,767 रुपए लगभग हमारे मोबीक्विक जिप में अपडेट हो चुके हैं। मोबीक्विक को जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। और गाइस देखिए, हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट से भी 39,766 रुपए और 75 पैसे का जो अमाउंट है वो भी कट चुका है। तो गाइस देखिए, मैंने अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के टोटल ड्यू बैलेंस को मैंने पे कर दिया है, जिसका अमाउंट था 39,766 रुपए और 45 पैसे। और जब मैंने इसको पे करा तो तुरंत ये हमारे मोबीक्विक के अकाउंट में अपडेट भी हो चुका है और मोबीक्विक की तरफ से मुझे ऑफिशियली ईमेल भी आ चुकी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है जिप बिल पेड। हमारा बिल पे हो चुका है, नाम आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है वी रिसीव्ड द पेमेंट फॉर योर जिप बिल। तो हमारा बैलेंस तुरंत मोबीक्विक ऐप में अपडेट हो चुका है। तो गाइस देखिए, आज 5 तारीख है, 12 बजे से पहले पहले मुझे इस जिप बिल को पे करना था, तो मैंने इसको पे कर दिया है। अब मुझ पर कोई भी किस तरह की पेनल्टी या कोई भी किस तरह का मुझ पर इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि टोटल ड्यू बैलेंस हमने क्लियर कर दिया है। जो मैंने खुद यूज करा था वो भी मैंने पे कर दिया है, जो फ्रॉड ने यूज करा था वो भी मैंने
खुद पे कर दिया है। अब गाइस देखिए, अगर मोबीक्विक की तरफ से हमारा जो फ्रॉड वाला पैसा है 28,311 रुपए, अगर वो रिफंड आते हैं तो रिफंड हमारे इसी मोबीक्विक जिप के वॉलेट में आएंगे, जो कि उसी में ही प्लस हो जाएंगे। 40,000 रुपए में से हमारा जो पैसा है फ्रॉड वाला, वो भी इसमें प्लस ही हो जाएगा। उसके बाद जब मर्जी उसको हम बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर रिफंड आता है तो। मोबीक्विक जिप का जो फ्रॉड वाला पैसा है, इसको रिफंड होने का जो प्रोसेस है, ये काफी ज्यादा लंबा है। मुझे खुद को नहीं पता है कि इसका पैसा कब तक रिफंड आएगा, या फिर आएगा भी या फिर नहीं आएगा। तो गाइस देखिए, मोबीक्विक जिप पे लेटर का 40,000 रुपए का ड्यू बैलेंस अगर हम लेट कर देते तो हो सकता है ये हर रोज मुझ पर 2,000 रुपए की पेनल्टी लगाता इंटरेस्ट के साथ, और अगर 30 दिन तक मैं इसको पे नहीं करता तो 2,000 रुपए करके टोटल 60,000 रुपए पेनल्टी के लग जाते हमारे मोबीक्विक जिप के वॉलेट में। प्लस हमारा जो 40,000 रुपए का ड्यू बैलेंस है, 40,000 अलग और 60,000 जो हम पर पेनल्टी लगती, टोटल मुझे 1,00,000 रुपए पे करना पड़ता। लेकिन इस प्रेशर से मैं बच चुका हूं और 40,000 रुपए को मैंने सब ड्यू बैलेंस को क्लियर कर दिया है। अब मुझ पर कोई भी किस तरह का बैलेंस ड्यू नहीं रहा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज मैं आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।